हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अजय पांडे लेक्चर्स में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। देखिए, प्रतिरोधों का संयोजन बोर्ड परीक्षा में 7 नंबर का पूछता है, कभी कभी 4 नंबर का भी पूछा है, लेकिन अधिकांश ये क्वेश्चन 7 नंबर में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है और लगभग हर साल पूछा जाता है। तो प्रतिरोधों का संयोजन जो टॉपिक है, इस टॉपिक से लगभग हर साल बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और यहाँ पर हम प्रतिरोधों का संयोजन जो पूरा टॉपिक है इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो आइए समझते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोध मतलब समझ लीजिए, प्रतिरोधक का मतलब होता है तार, और तारों में जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है उसको हम बोलते हैं प्रतिरोध। तो यहाँ पर दो शब्द है, प्रतिरोधक और प्रतिरोध। तो इन प्रतिरोधकों को कब जोड़ा जाता है और क्यों जोड़ने की आवश्यकता पड़ती है, इसको पहले समझते हैं। तो इसको समझने के लिए हमने बताया है ओम का नियम। आप जानते हैं ओम का नियम। ओम ने बताया कि यदि कोई चालक तार है, और इस चालक तार के सिरों पर यदि आप कोई वोल्टेज लगा दें, तो मान लेते हैं कि हमने चालक तार के सिरों पर भी वोल्टेज लगाया और इसमें जो धारा प्रवाहित है हो रहा है आई। तो हमने चालक तार के सिरों पर भी वोल्टेज लगाया है और इसमें धारा कितना बह रहा है, आई। और इस चालक, ये जो प्रतिरोध है, जो प्रतिरोधक है मतलब चालक तार है, इसका प्रतिरोध कितना है, आर है। तो ओम ने क्या बताया, ओम ने बताया वी इक्वल टू आई आर। ध्यान दीजिएगा, प्रतिरोधों के संयोजन नाम का जो टॉपिक है इसको समझने के लिए आपको एक बार इसको समझना पड़ेगा, फिर हम उसको बताएंगे। देखिए, एक चालक तार ये भी हो गया, इस पर वी वोल्टेज लगाया गया है, इसमें धारा बह रहा है आई और इस तार का प्रतिरोध है आर। तो ओम ने कहा कि वी आई और आर में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन क्या होता है, वी इक्वल टू आई आर। अब मान लीजिए कि आपका जो घर है उस घर में इनपुट सप्लाई आ रहा है, जो पावर सप्लाई है वो इनपुट आ रहा है। तो मान लेते हैं कि आपके घर में जो सप्लाई आ रहा है वो वी इक्वल टू 200 वोल्ट है। मैंने कहने का मतलब क्या कि आपके घर में जो बिजली आ रहा है उसको मान लीजिए कि 200 वोल्ट है, और आप जो तार उपयोग कर रहे हैं घरों में, आप जो तार उपयोग कर रहे हैं या कोई भी बिजली का उपकरण चला रहे हैं, जैसे पंखा है या कोई बल्ब है या कोई भी उपकरण है, तो मान लीजिए कि उसमें जो तार यूज हुआ है उस तार का प्रतिरोध कितना है, मान लीजिए कि 10 ओम है। ध्यान दीजिएगा, आपके घर में मान लीजिए कि 200 वोल्ट बिजली आ रहा है और जिस तार का आप उपयोग कर रहे हैं उस तार का प्रतिरोध कितना है, 10 ओम है। तो अब अगर यहाँ पर आपको ज्ञात करना हो कि इसमें कितना धारा बहेगा, कितना विद्युत धारा बहेगा, तो आप इस ओम के नियम की सहायता से ज्ञात करेंगे। तो वी इक्वल टू मान लीजिए हो गया आपका 200, आई हमको ज्ञात ही करना है, आर हमारा हो गया 10 ओम। अगर यहाँ से आप आई का मान निकालेंगे, तो ये 10 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, और ये हो जाएगा 200। यहाँ से अगर आप आई का मान निकालेंगे, 10 कहाँ जाएगा, नीचे, मतलब कि 200 बटे 10 हो जाएगा, 0 0 कट गया। यहाँ से आई का मान आ गया कितना, 20 एम्पियर। आई का मान कितना आया, 20 एम्पियर। इसका मतलब यह है कि आप जो विद्युत तार जो उपयोग कर रहे हैं उसमें कितना एम्पियर धारा जा रहा है, 20 एम्पियर। मतलब कि आपके पास 200 वोल्ट का इनपुट सप्लाई है और जिस तार का आप उपयोग किए हैं उस तार का प्रतिरोध अगर 10 ओम है तो उस तार में कितना धारा बहेगा, तो उस तार में धारा बहेगा 20 एम्पियर। अब यदि मान लीजिए कि घर में जो सप्लाई है वो 200 वोल्ट ही है, लेकिन आपने तार को बदल दिया और तार को आपने बदला तो जहाँ पर 10 ओम का प्रतिरोध था आप वहाँ पर 5 ओम प्रतिरोध वाला तार आपने लगा दिया। तो देखिए, भी आपका 200 ही रहा, लेकिन आर जो है आपने तार बदला और 5 ओम प्रतिरोध वाला तार लगा दिया। अब आपसे पूछा जाए कि अब इस तार में कितना धारा बहेगा, तो फिर से वही नियम लगाएंगे, ओम का नियम। तो भी इक्वल टू आपका 200
आई हमको ज्ञात ही करना है, और अब जो है प्रतिरोध 5 है, तो अब यहाँ से आई का मान निकालेंगे तो फिर 5 जाके बटा में हो जाएगा, तो 200/5 इधर आई हो गया, 5 चौके 20, 1 0, मतलब कि आई का मान यहाँ पर कितना आया, 40 एम्पियर। तो हमको यहाँ पर एक रिजल्ट मिल के आ रहा है, हमको यहाँ पर एक रिजल्ट क्या मिल रहा है कि हमने प्रतिरोध का मान जैसे घटाया, हमने प्रतिरोध का मान जैसे घटाया, धारा का मान देखिए वैसे ही बढ़ गया। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप वी को फिक्स कर दें, क्योंकि देखिए घर में जो वोल्टेज आ रहा है, किसी भी के भी घर में जो वोल्टेज आता है, पावर सप्लाई आता है, वो वोल्टेज बार बार बदलता नहीं है, वो वोल्टेज फिक्स होता है। चाहे वो वोल्टेज आप स्टेबलाइजर के द्वारा यूज करें या डायरेक्ट यूज करें, वो जो है बार बार चेंज नहीं होता है, तो हमारा भी तो बार बार चेंज होगा नहीं, तो आप बदल किसको सकते हैं, तार को ही बदल सकते हैं। तार मान लीजिए कि आपने एक बार 10 एम्पीयर के 10 ओम वाला प्रतिरोध का तार लिया था, एक बार आपने 5 ओम के प्रतिरोध का तार लिया था, तो जब 10 ओम के प्रतिरोध का तार लिया गया तो उसमें धारा बह रहा था 20 एम्पियर, और जब 5 ओम के प्रतिरोध का तार लिया गया तो उसमें धारा कितना बहा, 40 एम्पियर। इसका मतलब यह है कि यदि आप जितना ही कम प्रतिरोध वाला तार उपयोग करेंगे, आपको विद्युत धारा उतनी ही ज़्यादा मिलेगी। थोड़ा सा प्रतिरोध बढ़ा कर देखते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पर प्रतिरोध बढ़ा के, वोल्टेज आपका 200 ही है, लेकिन हम जो है वोल्टेज 200 ही है, लेकिन हम 10 ओम के बजाय हम 20 ओम के प्रतिरोध का अगर हम तार उपयोग करें, और उस कंडीशन में कहें कि आई निकालिए, तो फिर देखिए 20 आके भाग हो जाएगा यहाँ पर, तो 200 में 20 का भाग होगा 10, देखिए 10 एम्पियर। तो यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण रिलेशन मिल के आ रहा है कि जैसे जैसे आप देखिए 10 ओम से आपने 5 ओम का प्रतिरोध लिया तो धारा का मान बढ़ गया, लेकिन 10 ओम के प्रतिरोध के बदले में यदि आप 20 ओम का प्रतिरोध ले रहे हैं तो धारा का मान देखिए 10 एम्पियर आ गया। मतलब कि जब प्रतिरोध को कम किया जा रहा है तो विद्युत धारा का मान बढ़ जा रहा है, और जब प्रतिरोध को बढ़ा दिया जा रहा है तो विद्युत धारा का मान कम हो जा रहा है। तो इसीलिए जब हमको अधिक धारा या कम धारा प्राप्त करना होता है तो हम क्या करते हैं, प्रतिरोधों को या तो बढ़ा देते हैं नहीं तो घटा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में 200 वोल्ट आ रहा है और आपके पास दो कोई उपकरण है, एक उपकरण आपका ए है और एक उपकरण मान लीजिए कि बी है। अब ए को चाहिए 20 एम्पियर धारा, अब बी को चाहिए 10 एम्पियर धारा, अब पावर सप्लाई आपका 200 वोल्ट है, तो इसका मतलब कि कुछ ना कुछ बीच में कोई व्यवस्था लगाना पड़ेगा ताकि इसको 20 एम्पियर भी मिल जाए और उसी वोल्टेज पर इसको 10 एम्पियर भी मिल जाए। तो वोल्टेज आपका वही है 200, लेकिन एक को चाहिए 20 एम्पियर, एक को चाहिए 10 एम्पियर। इसका मतलब यह है कि उस बिजली के उपकरण में जो प्रयोग किया गया तार है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो जहाँ पर अधिक मात्रा में धारा चाहिए वहाँ पर हम प्रतिरोध को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, और जहाँ पर कम मात्रा में धारा चाहिए वहाँ पर प्रतिरोध को बढ़ा देंगे। इसका मतलब कि आपको प्रतिरोधों को घटाना और बढ़ाना पड़ेगा, और जब भी प्रतिरोधों को घटाना और बढ़ाना पड़ता है तो हमको प्रतिरोधों का संयोजन करना पड़ता है। तो आप यहाँ से समझ गए कि प्रतिरोधों का संयोजन क्यों करना पड़ता है। तो एक बार पुनः समझ लीजिए कि जब भी हमको धारा का मान घटाना या बढ़ाना होता है तो उसके लिए हमको प्रतिरोधों का मान भी घटाना और बढ़ाना पड़ता है। यहाँ आपने देखा कि जब हम प्रतिरोध का मान बढ़ा रहे थे तो विद्युत धारा का मान घट रहा था। देखिए 10 से हमने प्रतिरोध 20 कर दिया तो जो विद्युत धारा है वो 20 से कितना हो गया, 10 हो गया, और जब हमने प्रतिरोध को यहाँ पर कम किया तो विद्युत धारा का मान 20 से कितना हो गया, 40 हो गया। तो यहाँ जब हम प्रतिरोध का मान बढ़ा रहे हैं तो विद्युत धारा का मान घट रहा है। तो बेसिकली आप समझ गए होंगे कि जब भी विद्युत धारा का मान घटाना या बढ़ाना होता है तो उसके रिस्पेक्ट में हमको प्रतिरोधों का मान भी घटाना या बढ़ाना पड़ता है। तो प्रतिरोधों का मान घटाने या बढ़ाने के लिए उसका प्रतिरोधों जो प्रतिरोध होते हैं उनको आपस में कुछ विशेष क्रम में जोड़ना पड़ता है, जिससे उनका जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो हमारी इच्छा के अनुसार घट जाता है या बढ़ जाता है। तो अब हम समझते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। देखिए प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार से प्रतिरोधों का संयोजन किया जाता है। देखिए तीनों कौन कौन है, पहला है श्रेणी क्रम संयोजन,
दूसरा है समांतर क्रम संयोजन और तीसरा है मिश्रित क्रम संयोजन। देखिए प्रतिरोधों का संयोजन तीन प्रकार से किया जाता है, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन और मिश्रित क्रम संयोजन। तो हम लोग यहाँ पर जो पहला है श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, इसी को मतलब पढ़ेंगे, और जब आप दोनों पढ़ लेंगे तो ये स्वतः ही आप इसको समझ जाएंगे, क्योंकि ये दोनों का मिला के है मिश्रित क्रम संयोजन। नाम से स्पष्ट है मिश्रित मतलब कि मिलाया हुआ, मतलब कि श्रेणी क्रम भी इसमें आएगा और इसमें समांतर क्रम भी आएगा। तो अगर आप इन दोनों को समझ लेते हैं तो तीसरा बहुत ही आसान हो जाएगा। तो हम एक एक करके समझते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। तो हम सबसे पहले समझते हैं श्रेणी क्रम संयोजन, फिर से हम समांतर क्रम को समझेंगे। तो आइए पहले समझते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। देखिए श्रेणी क्रम संयोजन में जो प्रतिरोध होते हैं उनको जोड़ने के लिए बहुत ही आसान विधि है। देखिए मान लीजिए कि ये प्रतिरोध आपके पास है, ये प्रतिरोध का सिंबल है, मान लीजिए कि आपके पास ये तीन प्रतिरोध है, ठीक। अब ये जो पहला प्रतिरोध है इसका ये पहला सिरा है, ये दूसरा सिरा है, ये दूसरा प्रतिरोध है इसका ये पहला सिरा है, ये दूसरा सिरा है, ये जो तीसरा प्रतिरोध है इसका यह पहला सिरा है, यह दूसरा सिरा है। मतलब कि प्रत्येक प्रतिरोध के पास दो सिरे हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा कैसे जाता है। देखिए श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन करते समय हम करते क्या है कि पहले प्रतिरोध के, ध्यान दीजिएगा, ये पहले प्रतिरोध का पहला सिरा, ये पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ये दूसरा प्रतिरोध है इसका ये पहला सिरा हो गया, ये दूसरा सिरा हो गया, फिर तीसरा प्रतिरोध है इसका ये पहला सिरा हो गया, ये दूसरा सिरा हो गया। तो हम करते क्या है कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों के संयोजन करते समय हम इस पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को, ध्यान दीजिएगा, पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं और दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं। इसी प्रकार यदि चौथा प्रतिरोध रहता जिसका भी पहला सिरा होता दूसरा सिरा होता, तो अब हम क्या करते कि तीसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को चौथे प्रतिरोध के पहले सिरे से ऐसे जोड़ते हैं। इसको देखिए थोड़ा इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं, ये पहला प्रतिरोध, पहले प्रतिरोध का पहला सिरा, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, अब दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे को पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे से जोड़ना है, मतलब कि कुछ इस प्रकार, ठीक। अब देखिए दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, वो हो जाएगा इस प्रकार, ठीक। इसी प्रकार चौथा प्रतिरोध है उसको और आगे तक जोड़ते जाएंगे, तो इसी प्रकार अन्य प्रतिरोधों को भी हम आगे तक जोड़ते चले जाते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल है, हमने यहाँ पर तीन प्रतिरोध लिया है, आप चार पाँच छः सात कितना भी ले सकते हैं। तो ध्यान से समझिएगा कि पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं और बाकी अन्य प्रतिरोधों को भी इसी प्रकार जोड़ते चले जाते हैं। जब इस प्रकार आप जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा कि पहले प्रतिरोध का पहला सिरा खाली है, मुक्त है, और अंतिम प्रतिरोध का दूसरा सिरा मुक्त रहेगा। तो अब हम क्या करते हैं कि इन सिरों से बैटरी को जोड़ देते हैं, हम इन सिरों से बैटरी जोड़ देंगे। चलिए हमने एक बैटरी जोड़ दिया स्विच के साथ, वी वोल्ट की बैटरी हो गई और के आपका एक स्विच हो गया। तो हमने यहाँ पर तीन प्रतिरोध जोड़ा है। जोड़ने का तरीका हमने बता दिया कि श्रेणी क्रम में, देखिए परीक्षा में पूछेगा तो आपको इतना लिखना पड़ेगा कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ते समय पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, और अन्य प्रतिरोधों को भी इसी प्रकार जोड़ते चले जाते हैं, और अंत में पहले प्रतिरोध के पहले सिरे से और अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे से बैटरी को जोड़ दिया जाता है। तो इतना आपको लिखना पड़ेगा, ठीक। अब हम मान लेते हैं
कि ये जो तीनों प्रतिरोध हमने जोड़ा है, इनके जो प्रतिरोध है वो R1, R2 तथा R3 है। हमने मान लिया कि जो तुल्य प्रतिरोध है R1, R2 और R3 है। अब ध्यान देना है कि हमने प्रतिरोधों को जोड़ तो दिया R1, R2 और R3। तो अब कोई पूछे कि तीनों प्रतिरोधों का मिला के कुल प्रतिरोध कितना हुआ। तो जब भी प्रतिरोधों का संयोजन किया जाता है तो प्रतिरोधों के संयोजन के बाद जो कुल प्रतिरोध मिलता है उसको हम बोलते हैं तुल्य प्रतिरोध। तो अब हम निकालेंगे कि जब हम प्रतिरोधों का संयोजन करेंगे, यह हमने यहाँ पर किया है, तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना निकलेगा। तुल्य प्रतिरोध का मतलब कि तीनों का क्या हुआ मिला के। तो तीनों का मिलाकर तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या किए हैं, हम कि मान लिए हैं कि यह प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध R1 है, इसका प्रतिरोध R2 है, इसका प्रतिरोध R3 है, और इस सबका मिला के तुल्य प्रतिरोध हम क्या मान लेंगे, R मान लेंगे। उसको हम जब समय आएगा तो मान लेंगे, तुल्य प्रतिरोध R माना जाएगा। अब हम क्या किए हैं, यहाँ से स्विच को चालू किए, स्विच को ऑन किए, ऑन किए तो विद्युत धारा बहेगी, तो विद्युत धारा यहाँ पर बह रहा है, विद्युत धारा बह गया, ठीक, विद्युत धारा बहा ऐसे। अब विद्युत धारा बह रहा है तो चूंकि हम देख रहे हैं कि इसको वी वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ पर कुछ विभव होगा, कुछ विभव यहाँ पर होगा, कुछ विभव यहाँ पर होगा। अब आपको समझना यह है कि क्या विभव बराबर होगा कि अलग अलग होगा। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि श्रेणी क्रम संयोजन में धारा प्रवाह के लिए केवल एक मार्ग उपस्थित रहता है। श्रेणी क्रम संयोजन में धारा प्रवाह के लिए केवल एक मार्ग उपस्थित रहता है, तो जितना धारा इस बैटरी से बहता है उतना ही धारा इस प्रतिरोध में भी रहेगा, उतना ही धारा इस प्रतिरोध में भी रहेगा, उतना ही धारा इस प्रतिरोध में रहेगा। इसका मतलब यह है कि जब धारा प्रवाह के लिए केवल एक मार्ग उपस्थित रहता है तो वहाँ धारा का मान नहीं बदलता है, धारा का मान फिक्स रहता है। तो हम यह मान लेते हैं कि वी वोल्ट की बैटरी में से I धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर पहले प्रतिरोध में भी धारा I रहेगा, दूसरे में भी धारा I ही रहेगा, तीसरे में भी धारा I ही रहेगा, क्योंकि धारा प्रवाह के लिए यहाँ पर दूसरा कोई मार्ग है नहीं। तो जितना धारा इसमें एंट्री करेगा उतना ही धारा यहाँ पर निकलेगा, जितना धारा इसमें प्रवेश करेगा उतना ही धारा निकलेगा। तो यहाँ पर धारा का मान सभी प्रतिरोधों में एक समान रहेगा। देखिए प्रतिरोध R1, R2, R3 अलग अलग है तीनों का, धारा का मान एक समान है। ध्यान दीजिएगा, ओम का नियम है V=IR। तो अगर I कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब फिक्स है, जैसा कि यहाँ भी I है, जितना I इसके लिए है उतना ही I इसके लिए है, उतना ही I इसके लिए है, इसका मतलब I नहीं बदल रहा है। तो I नहीं बदल रहा है तो बदलेगा कौन, जैसे ही R बदलेगा तुरंत भी बदल जाएगा। तो यहाँ देखिए, इसका प्रतिरोध R1 है, इसका प्रतिरोध R2 है, इसका प्रतिरोध R3 है, मतलब तीनों का प्रतिरोध अलग अलग है। इसका मतलब यह है कि जब धारा नहीं बदल रहा है, धारा नहीं बदल रहा है, यह फिक्स है, तो कौन बदलेगा, तो जैसे ही R बदलेगा तुरंत भी बदल जाएगा। तो यहाँ पर R1, R2, R3 अलग अलग है, इसका मतलब कि यहाँ पर जो विभव होगा वो विभव क्या होगा, अलग अलग होगा। तो ध्यान दीजिएगा, हम मान लेते हैं कि यहाँ का विभव V1, यहाँ का विभव V2, यहाँ का विभव V3। आपको बहुत ध्यान से समझना है, ये बहुत ही मतलब मुख्य चीज़ यहाँ पर है। अब आप एक छोटे से कंसेप्ट पर समझ लीजिए कि श्रेणी क्रम संयोजन में, ध्यान दीजिएगा, श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान नहीं बदलता, क्योंकि यहाँ पर धारा प्रवाह के लिए एक ही मार्ग है। तो धारा प्रवाह के लिए एक ही मार्ग है, जैसे मान लीजिए कि एक ही प्रतिरोध है, एक ही प्रतिरोध है, प्रतिरोध छोड़ दीजिए, आप एक ये इसको पाइप मान लीजिए, एक ये पाइप है, देख रहे हैं दोनों जो मार्कर है इसकी चौड़ाई अलग अलग है। तो अगर दोनों अगर ये पाइप होता तो पाइप की भी चौड़ाई अलग अलग होती, लेकिन आप कल्पना कीजिए कि दोनों पाइप है, दोनों की चौड़ाई अलग अलग है, और एक पाइप में से हम पानी अगर प्रवेश कराएं तो दूसरे तरफ से पानी निकलेगा, लेकिन जितना पानी इस पाइप में प्रवेश करेगा उतना ही तो इधर निकलेगा। ठीक उसी प्रकार जितना धारा इसमें से प्रवेश करेगा उतना ही धारा निकलेगा, क्योंकि धारा प्रवाह के लिए एक ही मार्ग उपस्थित है, इसमें धारा पानी के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग है, तो जितना पानी इसमें से एंट्री करेगा उतना ही पानी वहाँ से बाहर निकलेगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ समझना है कि धारा प्रवाह के लिए एक ही मार्ग है, तो धारा का मान नहीं बदलेगा, तो धारा का मान नहीं बदलेगा तो बदलेगा कौन,
आर बदलेगा और भी बदलेगा। ध्यान दीजिएगा, जहाँ धारा नहीं बदलता है वहाँ पर वोल्टेज बदलता है। आप इस चीज़ को मतलब माइंड में बैठा लीजिए, आई नहीं बदलेगा, आर बदलेगा, किस में? श्रेणी क्रम संयोजन में। तो यहाँ पर तीनों में धारा का मान एक हो गया और विभव यहाँ का V1 हो गया, यहाँ का V2 हो गया, यहाँ का V3 हो गया। अब आप देखेंगे तो V1, V2, V3 आखिर ये आए कहाँ से हैं? तो V से ही तो आए हैं, V वोल्टेज ही तो तीन जगह बटा है। ध्यान दीजिएगा, जो V वोल्टेज है यही तो तीन जगह बटा है। तो हम लिख सकते हैं चित्र के अनुसार V=V1+V2+V3, क्योंकि इसी भी का कुछ हिस्सा यहाँ पर रह गया, कुछ हिस्सा यहाँ पर रह गया, कुछ हिस्सा यहाँ पर रह गया, आई तो सब में समान है। और इसको इक्वेशन नंबर हम बना देंगे 1। और अब हम समझते हैं यहाँ पर पहले प्रतिरोध के लिए हम पहले प्रतिरोध पर ओम का नियम लगा रहे हैं। पहले प्रतिरोध के लिए ओम के नियम से हम पहले प्रतिरोध पर ओम के नियम से, ध्यान दीजिएगा, ये जो पहला प्रतिरोध है, अगर आप पहले प्रतिरोध पर ओम का नियम लगाएंगे तो ओम का नियम होता है V=IR। तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर V1 है, यहाँ पर V1, ठीक, यहाँ पर V1 I के बदले में I है, वो तो ठीक है, लेकिन जो R है उस R के बदले में R1 है। इसको आप समीकरण नंबर 2 बना लीजिए, क्योंकि हमने यहाँ पर 1 बना लिया है। ये तो पहले प्रतिरोध के लिए हो गया। अब हम दूसरे प्रतिरोध पर भी ओम का नियम लगाएंगे, तो जब दूसरे प्रतिरोध पर ओम का नियम लगाएंगे तो सेम चीज होगा, बस जहां पर V1 था तहां पर V2 हो गया। इसी प्रकार दूसरे तथा तीसरे प्रतिरोध पर, इसी प्रकार दूसरे तथा तीसरे प्रतिरोध पर अगर हम ओम का नियम लगाएं तो दूसरे प्रतिरोध पर देखिए, दूसरे प्रतिरोध पर क्या हो जाएगा कि V2=IR2, समीकरण नंबर 3। ध्यान दीजिएगा, दूसरे प्रतिरोध पर V2=IR2 हो जाएगा इस नियम के अनुसार, और तीसरे प्रतिरोध पर देखें तो V3=IR3, ये समीकरण हो जाएगा 4। तो ये हमारा हुआ पहले प्रतिरोध पर ओम का नियम, दूसरे प्रतिरोध पर ओम का नियम और तीसरे प्रतिरोध पर ओम का नियम। आप एक बार इसको बढ़िया से देख लीजिए कि यही वोल्टेज तीन जगह बटा। ध्यान दीजिएगा कि श्रेणी क्रम में धारा का मान एक समान रहता है और विभव क्या होता है? अलग अलग होता है। हमने बताया है क्यों अलग अलग रहता है, क्योंकि यहाँ पर धारा प्रवाह के लिए एक ही मार्ग है, इसलिए धारा का मान प्रत्येक प्रतिरोध में समान होगा। और ओम के नियम से अगर आई को फिक्स कर दें तो जैसे ही R बदला तुरंत भी बदलेगा। तो यहाँ पर R देखिए बदल रहा है, R यहाँ पर क्या हो रहा है? बदल रहा है। और जब R बदलेगा तो भी क्या हो जाएगा? बदलेगा। तो भी एक V1 हो गया, एक V2 हो गया, एक V3 हो गया, तो वही V=, यही भी तीन जगह बटा है, तो हमने लिख दिया V=V1+V2+V3, ठीक। अब हम पहले प्रतिरोध पर ओम का नियम लगाएंगे, तो जब पहले प्रतिरोध पर ओम का नियम लगाएंगे तो ओम का नियम होता है V=IR। तो पहले प्रतिरोध के लिए V के बदले में V1 है, तो हमने V1 लिख दिया, I तो ठीक है, I धारा है, और R के बदले में यहाँ पर प्रतिरोध R1 है, तो V=IR1। और इसी प्रकार दूसरे और तीसरे प्रतिरोधों के लिए हमने लिखा है कि V2=IR2 और V3=IR3। तो यहाँ पर हमने लिख दिया। और अब हम क्या करेंगे कि इस V1, V2, V3 का मान हम उठा के कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में रखेंगे। V1, V2 और V3 का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो हम समीकरण 1 में यहाँ पर रखने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि जो V है वो आपका तुल्य, पूरा जो वोल्टेज लगाया गया वो वोल्टेज है, वही वोल्टेज तीन जगह बटा है। तो हम रखेंगे मान यहाँ पर, तो V=V1 के बदले में यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 1
टू थ्री तथा फोर से। तो समीकरण वन टू थ्री तथा फोर से हम क्या कर रहे हैं कि दो तीन चार से मान को उठा के एक में रख रहे हैं। तो एक में रखेंगे तो v इक्वल टू वी वन पद में देखिए आएगा आई आर वन प्लस वी टू के बदले में, देखिए वी टू के बदले में आएगा आई आर टू और वी थ्री के बदले में आ जाएगा आई आर थ्री। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो धारा आई है वो यहाँ पर धारा आई बह रहा है और आर वन आर टू आर थ्री तीनों का जो अलग अलग प्रतिरोध है। तो वी इक्वल टू, अब आई को कॉमन कर दें, अगर आई को कॉमन कर दें तो हो जाएगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। अब यहाँ पर देखिए, अब हमको ज़रूरत पड़ेगा, मान लीजिए कि हम तीनों प्रतिरोध को जोड़े हैं, तीनों प्रतिरोध को जोड़े हैं तो इनका कुल प्रतिरोध कुछ ना कुछ होगा। तो हम मान लेते हैं कि इनका तुल्य प्रतिरोध कितना है, आर है। यदि तुल्य प्रतिरोध आर हो तो, यदि तुल्य प्रतिरोध आर हो तो ध्यान दीजिएगा सबका मिला के, तुल्य प्रतिरोध आर हो तो ये सबका मिला के एक प्रतिरोध हो गया, कितने का, आर का, क्योंकि तीनों का मिला के आर हमने मान लिया। तो जब तीनों का मिला के हमने आर मान लिया तो अब यहाँ पर कुल प्रतिरोध आर हो गया, कुल विभव भी हो गया, कुल धारा आई हो गया। तो यहाँ पर अगर ओम का नियम देखें तो यहाँ पर ओम के नियम से, अगर यहाँ पर ओम का नियम देखें तो ओम का नियम हो जाता है वी इक्वल टू आई आर, जहाँ वी कुल विभव है, आई कुल धारा है और आर कुल तुल्य प्रतिरोध है। तो हम क्या करेंगे कि इसके वी के बदले में रख देंगे आई आर, तो वी के बदले में रख देंगे आई आर और आगे देखिए आई आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, दोनों तरफ से आई कैंसिल तो आर इक्वल टू मिला आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। इसी प्रकार यदि आपके पास चार प्रतिरोध होते हैं तो आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर फोर मिलता, अगर आपके पास पांच प्रतिरोध होते हैं तो आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर फोर प्लस आर फाइव डॉट 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 आर एन तक होता। तो ये रहा हमारा श्रेणी क्रम संयोजन, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार हम पुनः समझा दें कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को, दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे जोड़ा जाता है, और जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है उसमें श्रेणी क्रम संयोजन में विद्युत धारा प्रवाह के लिए एक ही मार्ग उपस्थित रहता है, इसलिए विद्युत धारा का मान बराबर होता है। और जब विद्युत धारा का मान बराबर होगा तो जैसे ही R बदलेगा वैसे ही क्या हो जाएगा, V बदल जाएगा। तो हमने यहाँ पर जो V वोल्ट की बैटरी से इसको जोड़ा है तो यही V वोल्ट की बैटरी का विभव जो है तीन जगह बटा है, यहाँ पर V1, यहाँ पर V2 और यहाँ पर V3। इसलिए हमने V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 लिख दिया और पहले प्रतिरोध पर ओम का नियम लगाया तो V इक्वल टू IR होता है, तो V1 इक्वल टू IR1, V2 इक्वल टू IR2, V3 इक्वल टू IR3। और इन तीनों मानों को उठाकर हमने समीकरण एक में रख दिया, यहाँ पर समीकरण एक में रखा गया, आई को हमने कॉमन कर लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया, आई कॉमन हो गया। अब हम मान लेते हैं कि इन तीनों का मिला के तुल्य प्रतिरोध R है, तीनों का मिला के तुल्य प्रतिरोध R है और इन तीनों पर वोल्टेज कितना है, तो भी है, तीनों में धारा कितना बह रहा है, आई बह रहा है। तो यहाँ पर अगर हम ओम का नियम लगाएंगे तो वी इक्वल टू आई आर होगा और वी इक्वल टू आई आर जब हो जाएगा तो हम वी इक्वल टू क्या रख देंगे, आई आर रख देंगे। तो हमने यहाँ पर रख दिया, आई से आई कैंसिल हो गया, तो ये जो तुल्य प्रतिरोध आर है यह किसके बराबर मिला, तो तीनों प्रतिरोधों के योगफल के बराबर मिल गया। जो तुल्य प्रतिरोध है वो तीनों प्रतिरोधों के योगफल के बराबर मिल गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी हमने प्रतिरोधों के संयोजन का श्रेणी क्रम देखा और श्रेणी क्रम में हमने यह देखा कि जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है, प्रतिरोधों को जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है तो उसका जो तुल्य प्रतिरोध है R, वह R1 प्लस R2 प्लस R3 के योगफल के बराबर हो रहा है। चार प्रतिरोध है तो R4 तक ले सकते हैं, पांच प्रतिरोध है तो प्लस
R5 इस तरह ऐड करते जाएंगे। तो अब थोड़ा देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये 2 ओम का है, ये 3 ओम का है, और ये मान लीजिए कि 7 ओम का है। मान लीजिए कि आपके पास 3 प्रतिरोध हैं और तीनों में जो है एक 2 ओम का है, एक 3 ओम का है और एक 7 ओम का है, और इन तीनों को हम क्या किए हैं कि श्रेणी क्रम में जोड़ दिए हैं। और जब तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तब यदि कोई पूछे कि इसका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तो तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए, देखिए तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए चूंकि श्रेणी क्रम में है और श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र हमने क्या पाया है, R=R1+R2+R3। चूंकि 3 प्रतिरोध है तो हमने R3 तक लिखा है, 4 प्रतिरोध होता तो R4 तक लिखते, और 2 प्रतिरोध होता तो 2 ही तक लिखते, R1+R2 ही कर देते। अब देखते हैं कि इसका तुल्य प्रतिरोध आता कितना है। R=, देखिए R1 के बदले में 2 ओम है प्लस R2 के बदले में 3 ओम है प्लस R3 के बदले में 7 ओम है, तो यहाँ पर 2, 3, 5, 5 और 7, 12 ओम। मतलब यहाँ पर जो कुल प्रतिरोध है वो देखिए 12 ओम आ गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रतिरोध यहाँ पर बढ़ रहा है। देखिए एक 2 ओम का है, एक 3 ओम का है, एक 7 ओम का है। तो सबसे अगर हम बड़े प्रतिरोध को देखें तो सबसे बड़ा प्रतिरोध हमारा 7 ओम का है, और जो तुल्य प्रतिरोध आ रहा है वो 12 ओम आ रहा है। इसका मतलब कि श्रेणी क्रम में जब हम प्रतिरोधों का संयोजन करेंगे, श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन करेंगे तो वहाँ पर जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो ज़्यादा मिलेगा, और इतना ज़्यादा मिलेगा कि जो सबसे बड़ा प्रतिरोध है उससे भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। सबसे छोटा तो 2 ओम का है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा प्रतिरोध कितने का है, 7 ओम का है। तो जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो सबसे बड़े वाले से भी क्या होगा, बड़ा होगा। तो आप एक चीज़ यहाँ पर समझ जाइए कि जब भी प्रतिरोधों के संयोजन में जब प्रतिरोध का मान बढ़ाना होता है तो उसको हम किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और देख सकते हैं आप, मान लीजिए कि यह प्रतिरोध 5 ओम का है और इसी में एक और जुड़ गया 3 ओम। देखिए श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तो श्रेणी क्रम में R=, यह R1 का काम कर देगा, यह काम कर देगा R2 का, तो R1+R2 कर देंगे, और R1 के बदले में 5, R2 के बदले में 3, तुल्य प्रतिरोध हो गया 8 ओम। अब जो तुल्य प्रतिरोध 8 ओम है तो वो देख रहे हैं कि इन दोनों प्रतिरोधों में जो सबसे बड़ा प्रतिरोध है उससे भी क्या है, अधिक है। तो एक चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गया कि प्रतिरोधों के संयोजन में जब भी प्रतिरोध का मान बढ़ाना होगा तो उसको हम किस क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में। देखिए 5 ओम और 3 ओम का जोड़े हैं, तो 5 ओम अलग है, 3 ओम अलग है, लेकिन दोनों को जोड़ दिए तो जो रिजल्टेंट प्रतिरोध बना वो तो आपका 8 ओम का बना। तो यहाँ पर श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ने पर प्रतिरोध का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जब भी आपको प्रतिरोध का मान बढ़ाना होगा तो आप चालक तारों को किस क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, ठीक। और श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जो तुल्य प्रतिरोध हो रहा है वो सबसे बड़े वाले प्रतिरोध से भी क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जब श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ने पर प्रतिरोध का मान बढ़ रहा है तो निश्चित रूप में समांतर क्रम में प्रतिरोधों का मान क्या होगा, घटेगा। तो अब हम देखते हैं समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, देखिए प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में होता क्या है कि प्रतिरोधों के सभी, जैसे मान लीजिए कि 3 या 4 प्रतिरोध जो भी रहेंगे उनके पहले सिरे को एक पॉइंट पर जोड़ लेते हैं, और उनके सभी प्रतिरोधों के दूसरे सिरे को एक पॉइंट पर जोड़ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मान लीजिए कि हमने प्रतिरोध बना दिया, एक ये प्रतिरोध हो गया, फिर एक यह प्रतिरोध हो गया, फिर एक यह प्रतिरोध हो गया, ठीक। ये तीनों के दूसरे सिरे हो गए, ये तीनों प्रतिरोधों का पहला सिरा। तो समांतर क्रम संयोजन में क्या करते हैं कि तीनों प्रतिरोध या जो भी आपके पास 3 या 4 प्रतिरोध हैं तो समांतर लिखते कैसे, देखिए समांतर क्रम में प्रतिरोधों के संयोजन करते समय सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को एक बिंदु पर और सभी प्रतिरोधों के दूसरे सिरों को एक बिंदु पर जोड़ लेते हैं, और अब इनको बैटरी से या जो भी आपका AC-DC सोर्स रहेगा उसे जोड़ देंगे। वो सिंपल है कि जब भी प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन किया जाता है तो समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को एक बिंदु पर और सभी प्रतिरोधों के दूसरे सिरे को एक अलग बिंदु पर जोड़ लिया जाता है, और अब इनके पहले सिरे को और दूसरे सिरे को बैटरी से विद्युत वाहक बल स्रोत से जोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे धारा तो यहाँ भी बहेगा,
देखिए धारा यहाँ पर जैसे स्विच ऑन करेंगे धारा बहेगा। अब यहाँ पर मजे वाली बात क्या है कि जो यहाँ से वी वोल्ट की बैटरी से जो आप प्रतिरोधों को जोड़े हैं तो यहाँ से अगर मान लीजिए कि आई धारा निकल रहा है, यहाँ से धारा आई निकल रहा है, तो यहाँ पर देखिए यही धारा कितने जगह बटेगा, ये धारा तीन जगह बटेगा। तो अब धारा प्रवाह के लिए क्या एक ही मार्ग उपस्थित है? नहीं, यहाँ पर धारा प्रवाह के लिए तीन मार्ग उपस्थित है। तो जब धारा प्रवाह के लिए तीन मार्ग उपस्थित है इसका मतलब कि हमारा धारा सब में एक समान नहीं जाएगा, मार्ग के अनुसार पथ के अनुसार धारा अलग अलग जाएगा। तो जो हमारा आई धारा है ये तीन जगह बढ़ जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि आई वन हो गया, इसमें आई टू हो गया और इसमें आई थ्री। देखिए इसके पिछले वाला जो श्रेणी क्रम संयोजन था इसमें धारा प्रवाह के लिए केवल एक मार्ग उपस्थित था, तो केवल एक मार्ग उपस्थित होने के कारण सभी प्रतिरोधों में धारा का मान समान था। यहाँ पर देखिए यहाँ धारा प्रवाह के लिए तीन मार्ग है इसलिए यहाँ पर सभी प्रतिरोधों में धारा का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। तो हमने मान लिया कि पहले वाले में धारा का मान आई वन, दूसरे वाले में धारा का मान आई टू, तीसरे वाले में धारा का मान आई थ्री। ठीक, चलिए यहाँ पर धारा तो अलग अलग हो गया। अब मान लेते हैं कि इसका प्रतिरोध R1, इसका प्रतिरोध R2, इसका प्रतिरोध R3, ये भी हमारा अलग अलग दिख रहा है। तो इन में धारा का मान भी अलग अलग है, प्रतिरोध भी अलग अलग है, एक समान हो सकता है वो अलग बात है, लेकिन धारा का मान यहाँ पर अलग अलग है। देखिए इसके पिछले टॉपिक में हमने बताया कि श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान एक समान था, विभव अलग अलग था। यहाँ पर धारा का मान अलग अलग है तो निश्चित रूप से यहाँ पर विभव एक समान होगा। और देखिए विभव एक समान कैसे होगा, ये भी आपका जो प्रतिरोध है उसको देखें तो यहीं पर जुड़ा है, ये वी वोल्ट की बैटरी पर ही जुड़ा है। ये भी आपका जो प्रतिरोध है वो भी इसी पॉइंट पर जुड़ा है, ये भी आपका जो प्रतिरोध है वो भी इसी पॉइंट पर जुड़ा है। मतलब कि तीनों प्रतिरोध एक ही पॉइंट पर जुड़े हैं इसलिए तीनों का विभव भी क्या होगा, एक समान होगा। तो जितना विभव इस बैटरी का होगा उतना ही विभव होगा। तो इसका भी वी, इसका भी वी और इसका भी वी। इन दोनों प्रकार के जो संयोजन है, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, इसमें एक बहुत ही खास टेक्निक है। टेक्निक ये है कि श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान एक समान रहता है, विभव बदलता है। ठीक, आई एक समान रहेगा, विभव बदलेगा, लेकिन यहाँ पर कुछ उल्टा हो रहा है, आई अलग अलग रह रहा है, विभव बदल रहा है। तो विभव सॉरी आई अलग अलग रह रहा है, विभव फिक्स है, विभव नहीं बदल रहा है। एक बार पुनः सुन लीजिए कि श्रेणी क्रम संयोजन में आई का मान फिक्स था, धारा का मान फिक्स था, विभव बदल रहा था। यहाँ पर आई का मान बदल रहा है, विभव भी क्या है, फिक्स है। इसलिए फिक्स है कि जो है तीनों प्रतिरोध एक ही पॉइंट पर जुड़े हैं, जबकि श्रेणी क्रम में तीनों प्रतिरोध अलग अलग पॉइंट पर जुड़ रहे थे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो ऐसे ऐसे जुड़ रहा था प्रतिरोध, देखिए सब अलग अलग पॉइंट पर जुड़े हैं। इसका पॉइंट ये है, यह इन दोनों पॉइंट के बीच में है, यह जो इन दोनों पॉइंट के बीच में, तो यहाँ पर प्रतिरोध अलग अलग पॉइंट पर जुड़ रहा था तो विभव का मान अलग अलग था। यहाँ पर प्रतिरोध एक ही पॉइंट पर जुड़ रहा है तो विभव का मान अलग एक ही रहेगा। कुल मिलाकर सीधे सीधे समझिए कि श्रेणी क्रम में धारा का मान नहीं बदलता है, विभव का मान बदलता है, और समांतर क्रम में धारा का मान बदलता है, विभव का मान नहीं बदलता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो आई धारा है यही तीन जगह बट रहा है, तो हम कह सकते हैं कि I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, समीकरण नंबर वन। I धारा तीन जगह बट रहा है, I1 प्लस I2 प्लस I3 हो गया, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक, अब अगर हम पहले प्रतिरोध पर ओम का नियम लगाएं, पहले प्रतिरोध के लिए ओम का नियम लगाएं तो ओम का नियम होता है वी इक्वल टू आई आर, वी इक्वल टू आई आर। लेकिन पहले प्रतिरोध पर वी तो वी हमारा ठीक है, ओके, लेकिन धारा इसमें आई न बह के आई वन बह रहा है तो ये आई वन हो जाएगा और प्रतिरोध जो है आर वन हो जाएगा। तो वी इक्वल टू यहाँ पर आई वन आर वन मिल गया। अगर यहाँ से हम I1 का मान निकाले तो R1 जाएगा नीचे, मतलब वी बटे R1, माने हम कह सकते हैं कि I1 इक्वल टू वी बटे R1, समीकरण नंबर दो। ये पहले प्रतिरोध के लिए हुआ। पहले प्रतिरोध के लिए हमने देखिए क्या लिखा, वी इक्वल टू आई आर फार्मूला होता है,
लेकिन यहाँ पर आई के बदले में आई वन है और आर के बदले में आर वन है, तो भी इक्वल टू हो गया आई वन आर वन। यहाँ से हमने आई वन का मान निकाला तो आर वन चला गया नीचे और हमने लिख दिया आई वन इक्वल टू वी बाई आर वन। अब यही काम अगर हम दूसरे प्रतिरोध के लिए करें इसी प्रकार अगर हम दूसरे प्रतिरोध के लिए करें तो देखिए ये मिल जाएगा, सेम चीज़ मिलेगा आई टू इक्वल टू वी बटे आर टू। इसको समीकरण दे देंगे तीन, और अगर हम यही तीसरे के लिए करें तो आई थ्री इक्वल टू मिलेगा वी बटे आर थ्री, समीकरण नंबर चार। बहुत सिंपल है, कुछ खास लॉजिक नहीं है, बस आपको ओम का नियम ध्यान रखना है। अब देखिए I1, I2 और I3 इन तीनों मानों को उठाकर हम कहाँ रखेंगे, समीकरण एक में रखेंगे, जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में रखा समीकरण वन टू थ्री तथा फोर से। तो समीकरण वन टू थ्री और फोर से क्या करेंगे, वन टू वन में टू थ्री फोर से उठाकर मान रखेंगे तो हो जाएगा I इक्वल टू वी बाई आर वन प्लस वी बाई आर टू प्लस वी बाई आर थ्री। देखिए आई वन का मान वी बटे आर वन, वी बटे आर वन, आई टू का मान वी बटे आर टू, आई थ्री का मान वी बटे आर थ्री, और जब मान रखेंगे तो यहाँ पर हमको वी कामन मिल जाएगा और रिजल्ट मिला वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री। इतना हुआ। अब समझते हैं कि वी क्या है, तो भी हमारा कुल वोल्टेज है, आई क्या है, आई कुल धारा है, भी कुल वोल्टेज, आई कुल धारा। और इन तीनों प्रतिरोधों का अगर हम तुल्य प्रतिरोध आर मान लें, क्योंकि देखिए तीनों प्रतिरोधों को जोड़े हैं तो कुछ ना कुछ तुल्य प्रतिरोध निकल के जरूर आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे कि यदि तुल्य प्रतिरोध आर हो तो, यदि तुल्य प्रतिरोध R हो तो हम ओम के नियम से कह सकते हैं वी इक्वल टू आई आर, वी इक्वल टू आई आर, और यहाँ से हम कहेंगे कि I इक्वल टू वी बटे आर, और I इक्वल टू जो वी बटा आर मिला इसी I इक्वल टू वी बटे आर को हम क्या करेंगे, इस I के बदले में रख देंगे, तो हम यहाँ पर रखेंगे तो वी बटे आर ये हो गया I के बदले में, और आगे वी है और ब्रेकेट में वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री, वी से भी कैंसिल, रिजल्ट क्या मिल गया वन बाई आर इक्वल टू वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री। ये आपका मिला समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र। अगर आपके पास ऐसे ऐसे चार प्रतिरोध जुड़े होते तो आप यहाँ पर प्लस डाल के लिख देते वन बाई आर फोर, अगर पाँच होता तो लिख देते वो प्लस डाल के वन बाई आर फाइव, मतलब कि एन तक होता तो लिखते वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री डॉट 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 वन बाई आर एन। तो जितना ही अधिक रहेगा आप इसी हिसाब से आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही आसान है। श्रेणी क्रम संयोजन में देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध R इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, और समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध R के लिए होता है वन बाई आर इक्वल टू वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्री। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा सा एक हम उदाहरण लेकर कंपेयर कर लेते हैं कि दोनों क्रम में, मतलब कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़ने पर, तुल्य प्रतिरोध निकालने पर दोनों के तुल्य प्रतिरोधों में डिफरेंस क्या हो रहा है, क्या अंतर मिल रहा है, इसको एक बार समझते हैं। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो प्रतिरोध हैं। देखिए बहुत छोटा सा उदाहरण हम लेकर समझाएंगे, वीडियो हमारा काफ़ी लंबा हो गया तो आप लोग धैर्य बना के रखिए। मान लीजिए कि दो प्रतिरोध हैं, दो प्रतिरोध हैं, एक मान लीजिए दो ओम का है और एक मान लीजिए चार ओम का है, ठीक। तो इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो जब श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो तब इसका अगर आप तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो R इक्वल टू मिलेगा R1 वन प्लस आर टू, आर वन का काम करेगा दो, आर टू का काम करेगा चार, दो चार हो जाएगा छः, तो तुल्य प्रतिरोध मिल गया छः ओम, जो कि दोनों से क्या है, अधिक है। इसका मतलब कि श्रेणी क्रम में जब जोड़ेंगे तो तुल्य प्रतिरोध ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा मिल रहा है। अब देखते हैं कि यदि यही हमारा
यही हमारा, अगर मान लीजिए कि इस तरह से रहता, समांतर क्रम संयोजन में मान लीजिए कि रहता, ये समांतर क्रम संयोजन में रहता इस प्रकार से, क्योंकि दोनों प्रतिरोध का मान लीजिए कि दो है ये चार है, तो दोनों प्रतिरोध का पहला सिरा एक पॉइंट पे और दोनों प्रतिरोध का दूसरा सिरा एक पॉइंट पे, अगर ये इस तरह से रहता। अब कोई पूछे कि अब बताइए इसका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तो इसका तुल्य प्रतिरोध निकालना है, तो ये R1 का काम करेगा, ये काम करेगा R2 का। तो समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध के लिए फार्मूला है 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। चूँकि दो ही प्रतिरोध है तो हम यहाँ से दो ही लिए हैं, तीन रहता तो तीन ले लेते, चार रहता तो चार ले लेते। तब इस पर अगर आप रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, हमको समांतर क्रम संयोजन में यह फार्मूला पता है, जबकि हमारा तुल्य प्रतिरोध R है, ना कि 1 बाई R। हमारा 1 बाई R तुल्य प्रतिरोध नहीं है, हमारा तुल्य प्रतिरोध R है, लेकिन जो फार्मूला मिला है वो मिला है 1 बाई R के रूप में। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मान को रखेंगे, तो 1 बाई R इक्वल टू निकल गया 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 4। जब आप इसको एलसीएम लेके जोड़ेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, तो 2 ना 4, दो कने 2, 4 कने 4, 1 कने 1, तो ये मिला 3/4। अब ध्यान दीजिएगा कि 1 बाई R का मान 3/4 मिला है, जबकि हमारा तुल्य प्रतिरोध क्या है, R है। तो जब R का मान निकालना होगा तो यहाँ से इसको क्या कर देंगे, पलट देंगे, तो ये हो जाएगा R/1, ये हो जाएगा 4/3। तो R/1 का मतलब कि R ही होता है, R/1 का मतलब क्या होता है, R होता है। देखिए आपको बटा का जोड़ घटाव आना चाहिए, तो R/1 का मतलब R होता है, क्योंकि नीचे का 1 छोड़ देते हैं। अब बच गया यहाँ पर 4/3 देखेंगे ना, तो 4/3 दो से कम ही है, मतलब कि अगर इसको आप बदलेंगे डेसिमल में तो 3/1 1.33 करके इस तरह से आएगा 1.33। अब बताइए जब ये 1.33 है, इसका मतलब क्या है कि तुल्य प्रतिरोध 1.3 है, तुल्य प्रतिरोध कितना है 1.3 है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो हम जोड़े थे वो एक 2 ओम का था, एक 4 ओम का था। अब बताइए 2 ओम के प्रतिरोध को और 4 ओम के प्रतिरोध को जोड़ दिए तो रिजल्ट आया 1.3, जो कि इन दोनों से कम है, मैंने कहें कि सबसे छोटे वाले से भी छोटा है, और यहाँ पर जो था वो सबसे बड़े वाले से भी क्या था, बड़ा था। तो आप यहाँ पर दोनों एग्जाम्पल को देख के आप समझ गए होंगे कि जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो तुल्य प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, और समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो तुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा, घटेगा। तो इसीलिए जब भी हमको किसी भी बिजली के उपकरण में, विद्युत उपकरण में प्रतिरोध का मान बढ़ाना होता है तो हम क्या करते हैं कि उसमें जो प्रतिरोधक लगे होते हैं उसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, और जब उसमें तुल्य प्रतिरोध का मान घटाना होता है तो उसको हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं, क्योंकि समांतर क्रम में जोड़ने पर घट रहा है और श्रेणी क्रम में जोड़ने पर बढ़ रहा है। देखिए वही 2 ओम और 4 ओम है, तो एक बार 2 ओम और 4 ओम मिलकर 6 ओम बना रहा है जो कि ज़्यादा है, और एक बार यही 2 ओम और 4 ओम मिलकर 1.3 बना रहा है जो कि क्या है, कम है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आया होगा, वीडियो थोड़ा लंबा हुआ लेकिन कोई बात नहीं, टॉपिक समझ में आना चाहिए। तो ये आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में इसको मेंशन कीजिएगा, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।